गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में रीजनिंग से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। उसके पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग होता है, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर रीजनिंग उसका पूछे जा रहे हैं तो ये पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ ट्रिक नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझने का फेर रहता है, समय रहते इसको बनाना जरूरी है, जैसा रीजनिंग में आप लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको पहले समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, नॉर्मली आपको चार से पांच ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शंस क्या होते हैं, दो पॉइंट दिए रहते हैं। पहला आपको एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहने के साथ साथ आपको दो पॉइंट दिए रहेंगे। अभी इस दोनों पॉइंट के ऊपर में आपको कुछ एक ऑप्शन दिया रहता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि क्या ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर केवल आपको एक से मिल जाना है, केवल एक से, फर्स्ट नंबर से। दूसरा में रहता है टू अलोन। टू अलोन का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर क्या आपको केवल इससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है, टू अलोन में। तीसरा ऑप्शन क्या रहता है, वन और टू, दोनों में से किसी एक में से, दोनों में से भी, मतलब ये भी सफिशियंट हो जा रहा है इसको आंसर करने के लिए, ये भी सफिशियंट हो जा रहा है इसको आंसर करने के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर आपको इससे मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट से, इसका आंसर आपको इससे मिल जाएगा सेकंड पॉइंट से भी। फोर्थ वाले में क्या रहता है, वन एंड टू नॉट सफिशियंट, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर आप इससे भी अगर मिला लेंगे और इससे भी मिला लेंगे, दोनों से मिला करके आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, ये फोर्थ ऑप्शन बताता है। फिफ्थ ऑप्शन क्या बताता है, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सफिशिएंट, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर इससे और इससे दोनों को मिला करके आपको मिलने जा रहा है। तो ये एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि तो आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट में है ए अलोन, सेकंड में है टू अलोन, थर्ड में आता है वन और टू, फोर्थ में आता है वन एंड टू, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, फिफ्थ में आता है दोनों मिलकर के सफिशिएंट है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो ये सब दो ऑप्शन दिया उसको देखेंगे, फिर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई, पांच बंदे हैं, कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई। देखिए यहां पर आगे ये भी लिखा हो सकता है कि वो मैन है, वोमेन है, फ्रेंड्स है, कौन है, अपने को कोई मतलब नहीं है, टाइम उसमें वेस्ट नहीं करने का है, बस ए से लेकर के ई तक पांच है, कुछ है। Having different weight, सभी का वेट में डिफरेंस है, कोई एक दूसरे से ज्यादा वेट है, कोई दूसरे से कम वेट है, मतलब किसी दो जने का वेट एक समान नहीं है, सभी का वेट अलग अलग है। अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द हेवीएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा हेवीएस्ट, सबसे ज्यादा भारी कौन है, ए बी सी डी ई में सबसे ज्यादा भारी कौन है। अब इसका क्वेश्चन निकालने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, आइए हम लोग पहला ऑप्शन को देखते हैं। देखिए जब भी कभी इस तरह का आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले पांच एक खामा बना लीजिए जहां पर आप पांचों को फिट कीजिएगा, तो एक दो तीन चार पांच। अभी आपको क्योंकि दो पॉइंट दिया हुआ रहता है हमेशा इसमें, तो दो जगह बनाकर तुरंत दो जगह बनाकर रेडी कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच, क्योंकि पांच जने हैं। अभी मान के चलिए कि अभी अपने को वेट निकालना है, तो हमको मेंटली कहीं पर इसको लिखना पड़ेगा कि यार वेट किसका ज्यादा है किसका कम, हम लोग निकाल रहे हैं। तो मान के चलते कि हम लोग यहां जिसको बैठाएंगे उसका वेट सबसे ज्यादा रहेगा, उससे नीचे रहेगा ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, और सबसे लास्ट ये, सेम टू सेम इसे वैसे ही करेंगे ये हम लोग। अभी हमारे दिमाग में रहेगा कि इसका वेट सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम, सबसे कम इसका रहेगा। पहला पॉइंट क्या बताता है, डी वेट्स मोर देन ओनली टू पीपल, डी का जो वेट है वो केवल दो बंदे से ज्यादा है। तो अगर केवल दो बंदे से ज्यादा तो मतलब एक बंदा कोई यहां रहेगा, दूसरा यहां रहेगा, मतलब डी मेरा यहां पर आएगा, ठीक है। डी वेट्स मोर देन ओनली टू पीपल, एक और दो से ज्यादा रहेगा, क्योंकि डी का वेट जब दो पीपल से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसके दो पीपल उसके पीछे में रहेंगे, तो उसके जो दो पीछे में रहेंगे वो ये दो रहेंगे, इसी से ज्यादा है, मतलब ये बिल्कुल बीच में आएगा। डी वेट्स मोर देन ओनली टू पीपल, एक पीपल दो पीपल, इससे ज्यादा रहेगा, और डी से ज्यादा रहेगा दो का। ई वेट मोर देन ए बट लेस देन बी, ई का जो वेट है वो मोर देन ए है और लेस देन बी है, E का वेट A से ज्यादा होना है और B से कम होना है। तो अभी अगर इसी में बैठाना होगा तो पहला पॉइंट हम लोग यहां ऊपर मान के चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग यहां नीचे में लेके चलते हैं। E का पॉइंट A से ज्यादा है और B से कम है, तो हम मान लेते हैं कि E कहीं यहां पर हो सकता है, E का वेट है, E वेट मोर देन A, A से ज्यादा है लेकिन वो B से कम है। देखिए इसको हम लोग यहां भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं अभी, लेकिन जस्ट एक बैठाने के लिए हम लोग यहां पर रख दिए हैं, क्योंकि अभी हम लोग को देखिए अभी तक यहां पर ये आपको क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग इस बी को यहां भी रखते हैं, ई को यहां रखते हैं, ए को यहां रखते हैं, तभी ये क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर ए और डी दोनों एक साथ कोलाइड कर जा रहा है,
तो ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता है ए अलोन से हम लोग को इसका आंसर पता नहीं चल पा रहा कि हु इज द हेवीएस्ट। सॉरी, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ए वेट्स मोर देन सी बट लेस देन ई। ए का जो वेट है वो सी से ज्यादा है लेकिन ई से कम है। तो हम मान लेते हैं कि ए का वेट यहां पर है, ए का वेट सी से ज्यादा है लेकिन ई से कम है। ई यहां पर हो सकता है, सी यहां पर हो सकता है, लेकिन सी यहां पर भी है और डी यहां पर ऑलरेडी पीछे बता रहा है। आगे आते हैं, ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई इज नॉट हेवियर देन बी, तो जाहिर सी बात है यहां पर नहीं बैठेगा, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा यहां से। अभी इसके इस तरफ पे लिखकर चलते हैं। ये बोल रहा है ए वेट मोर देन सी बट लेस देन ई। ए का जो वेट है वो मोर देन सी है, ए का वेट मोर देन सी है बट लेस देन ई है। ठीक है, ए वेट मोर देन सी बट लेस देन ई, ए का जो वेट है वो सी से ज्यादा है लेकिन ई से कम है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई का जो वेट है वो बी से ज्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है अभी हमको ई को यहां नहीं बैठाना होगा, क्योंकि ये अभी अगर ई को हम यहां बैठाएंगे तो बी को हमको यहां या तो यहां बैठाना या तो यहां बैठाना होगा। लेकिन वो बता रहा है ई का जो वेट है, ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई बी से ज्यादा हेवियर नहीं है, ई इज नॉट हेवियर देन बी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी डी आया हुआ है। तो हम मान के चलते हैं ई इज नॉट हेवियर देन बी। ठीक है, ई को यहां पर रखते हैं और बी को या तो यहां पर रख सकते हैं या तो यहां पर रख सकते हैं। लेकिन इससे भी अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये सेकेंड पॉइंट से भी अपना कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सबसे ज्यादा हेवीएस्ट कौन है, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग तीनों यहां रख दिए। ये बता रहे ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई को हम लोग चलो ई इज नॉट हेवियर देन बी, हम लोग ई को बी के पीछे ही रखे हैं, लेकिन यहां पर ये क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है कि सबसे ज्यादा हेवीएस्ट कौन है। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि ये दोनों को हम लोग क्लब करते हैं, ये इसको और इसको क्लब करते हैं। तो यहां पर यह बता रहा है कि डी मिडिल में है, डी वेट्स मोर देन 22 पीपल, तो हम मान के चलते हैं कि डी को अगर हम यहां पर रख देते हैं, इसको ई को हटा देते हैं यहां से, यहां पर डी को रखते हैं। ठीक है, ये इसको इसको दोनों पॉइंट को भी मिलाकर लोग चल रहे हैं, डी को यहां रख रहे हैं, ई को यहां पर रख रहे हैं। अब ये बता रहा है ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई इज नॉट हेवियर देन बी, तो अगर हम लोग सपोज कीजिए कि अगर बी को यहां पर रखते हैं तो ई यहां पर आएगा, उस केस में वो पॉइंट हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर हाल में बोल रहा है ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई जो है वो बी से ज्यादा हेवियर नहीं है, मतलब ई उससे कम है। तो हम सपोज कीजिए ई को यहां पर रखते हैं तो बी यहां पर हमारा फुलफिल हो जा रहा है। इस केस में आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये फुलफिल हो जा रहा है। ए वेट्स मोर देन सी, ए का जो वेट है वो मोर देन सी है बट लेस देन ई है, ई से कम है। ठीक है, दूसरा है ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई इज नॉट हेवियर देन बी, ई बी से कम है, तो ई बी से कम है यहां पर आ गया। तो इस केस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हेवियर हो रहा है बी। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है वो इज द हेवियस्ट, इसका जो आंसर है ये दोनों पॉइंट को मिला देने से हमें आंसर मिल जा रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर ऑप्शन ये कहता है कि 1 और 2 टूगेदर सफिशियंट, एक और दो दोनों मिला करके सफिशियंट है। तो जो हमारा यहां पर हो रहा है इसका पॉइंट ये हो गया, इसका पॉइंट ये हो गया, इस दोनों को जब, क्योंकि ये इंडिविजुअल अपने को आंसर नहीं बता पा रहा है, ये भी इंडिविजुअल अपने को आंसर नहीं बता पा रहा है, लेकिन इस दोनों को जब क्लब कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर निकल जा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज स्टेज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, कुछ एक कोड लैंग्वेज दिया गया है। अभी बता रहा है कि स्टेज का मतलब जो कोड लैंग्वेज में उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए अभी पहले है कि स्टेज इज रेडी, स्टेज यहां पर एक एक जो वर्ड है उसको आराम से पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। स्टेज इज रेडी, इसका मतलब होता है ने सा टा, स्टेज इज रेडी का मतलब है ने सा टा। दूसरा क्या है, रेडी टू गो, रेडी टू गो का मतलब है जा टा ला। हमें निकालना क्या है, स्टेज का क्या मतलब है। तो अभी मान लेते हैं कि हम लोग को देखना पड़ेगा स्टेज यहां पर यूनिक है या नहीं है। यहां पर स्टेज इज रेडी और यहां पर है रेडी टू गो, मतलब यहां रेडी एक यूनिक है, यहां भी रेडी एक यूनिक है, तो इससे अपने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग को देखिए ये पता चल जाएगा कि ये रेडी है ये रेडी है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ने सा टा में टा, तो टा इज इक्वल्स टू हो गया रेडी, क्योंकि रेडी भी यहां पर यूनिक है, रेडी यहां पर भी यूनिक है, टा यहां भी यूनिक है, टा यहां भी यूनिक है, इसका मतलब रेडी का मतलब हो गया टा।
इसका मतलब कि इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें फर्स्ट ऑप्शन से नहीं पता चल पा रहा है। तो जो पहला है वन अलोन, इससे पता नहीं चल पा रहा है। सेकंड में आते हैं, स्टेज इट टुडे मूसा ये। दूसरा है इट विल टुडे का होता है रू मू ये। अब देखते हैं दोनों में यूनिक क्या है। देखिए इसमें स्टेज इट टुडे, और यहां पर भी इट है, यहां भी टुडे है, यहां भी इट है, यहां भी टुडे है। मतलब इट और टुडे मतलब दो चीज यहां पर यूनिक है, दो चीज यहां पर यूनिक है। इसका मतलब दो चीज यहां पर यूनिक होगा, दो चीज यहां पर यूनिक होगा। कौन सा चीज है? मूसा ये। मुंह यहां पर नहीं है, अच्छा सॉरी मुंह है यहां पर, सा नहीं है। तो मुंह और ये इसका मतलब इट और टुडे का मतलब होता है मुंह ये। इट और टुडे का मतलब होता है मुंह ये। इसका मतलब जो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आ गया स्टेज का मतलब होगा सा। फर्स्ट वाला ऑप्शन में अपने को आंसर नहीं पता चल पाया, सेकेंड वाले ऑप्शन में अपने को आंसर पता चल गया। इसका मतलब कि जो सेकेंड है वो इंडिविजुअली सफिशियंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड नंबर, टू अलोन। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यह बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर केवल इससे निकल रहा है, या केवल इससे निकल रहा है, या दोनों में से किसी से भी निकल जा रहा है, या दोनों में से किसी से नहीं निकल रहा है, या दोनों को क्लब करने से निकल जा रहा है। पहले वाले में हमने देखा कि जो इस क्वेश्चन का आंसर था उसका आंसर इससे नहीं निकल रहा है, फर्स्ट से, सेकंड से भी इसका आंसर नहीं निकल रहा है, लेकिन जब दोनों को क्लब कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर निकल जा रहा है। तो पहला वाला का आंसर हो गया 5V 1 and 2 टुगेदर। दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा कि इससे हमारा आंसर पता नहीं चल पा रहा है, स्टेज का मतलब इससे नहीं पता चल पा रहा है। जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है उससे स्टेज का मतलब अपने को पता चल जा रहा है, क्योंकि यहां पर इट टुडे कॉमन है, यहां भी इट टुडे कॉमन है। तो यहां से कॉमन, यहां से कॉमन निकाल दिया, वो हट गया, उसके बाद जो बच गया स्टेज वो हमारा आंसर हो गया सा। सेकेंड ऑप्शन हमारा सफिशियंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये डेटा सफिशियंसी के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया, जो कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम हॉल में आता है। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में इस तरह का और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत बारीकी से क्लियर कर लें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।